हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिल्ली पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल होटल स्टाइल में हम इसे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ली पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट के लिया है। इसी के साथ शिमला मिर्च और प्याज को भी मैंने यहाँ पे काट के लिया है। तो जो प्याज और शिमला मिर्च है ना, इन्हें हमने इस तरीके से काटना है। देखिए, प्याज के मैंने जो शेल है ना, इस तरह से निकाले हुए हैं, और शिमला मिर्च का जो बीज है उन्हें हटा के इस तरीके से काट लेना है। और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ली है, इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे। और साथ में ही लिया है चॉप्ड अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब हमने एक बाउल लेनी है, और बाउल में हम जो पनीर है ना, इसे डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने सारा पनीर बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देते हैं। इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा, तो ज़रूर डालें। और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च हम यहाँ पे डाल देंगे, और साथ में ही डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो एक छोटी चम्मच के करीब आपको यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हल्के हाथों से स्पून की हेल्प से इन्हें मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करना है, वरना जो पनीर के पीस है ना, वो टूट सकते हैं। आप चाहे तो पनीर को यहाँ पे टॉस भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत बढ़िया से इन्हें यहाँ पे मिक्स कर लिया है, बहुत बढ़िया से कोटिंग हो गई है। अब 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। एक कटोरी में 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसका हमने घोल तैयार करना है। तो देखिए, हमारा जो घोल है बहुत ही बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि चिल्ली पनीर लोहे की कढ़ाई में बहुत बढ़िया बनता है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। तो जो पनीर है ना, बहुत बढ़िया से सेट हुआ है। एक एक करके सारे जो पीस है ना, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए, सारे जो क्यूब्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। चलाते हुए हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, पनीर हमारा बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुका है। कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इससे ज़्यादा इन्हें फ्राई ना करें, वरना जो पनीर है ना, ये टाइट हो जाता है। बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। तो चलिए, अब हम पनीर को एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पनीर को निकाल दिया है। अब मैंने तेल को थोड़ा सा कम किया है, और तेल हमारा गर्म है। इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे, और गार्लिक के साथ ही हम यहाँ पे जिंजर भी डाल देते हैं। अब हमने जो लहसुन और अदरक है ना, इनको हल्का सा यहाँ पे भून लेना है, जब तक कि इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो देखिए, अदरक और लहसुन बढ़िया से भुन चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें प्याज और जो शिमला मिर्च है ना, वो ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम हाई ही रखना है। अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही पकाएंगे, ताकि इसका जो क्रिस्प है ना, वो बना रहे, क्योंकि ये क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं चिली पनीर में। यहीं पे हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इन्हें हल्का सा यहाँ पका लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि नमक का पनीर में हमने पहले भी यूज़ किया है। 1/4 छोटी चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारी जो शिमला मिर्च और प्याज है, अच्छे से ये यहाँ पे सौटे हो चुकी है। बस इतना ही हमने इन्हें यहाँ पे कुक करना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे,
तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली चिल्ली पनीर अच्छी लगती है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, अगर आपको थोड़ी सी ड्राई अच्छी लगती है तो कम डालें। तो मुझे ये मीडियम ही पसंद है तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे पानी डाला है। मुझे ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली, मीडियम ही मुझे ये अच्छी लगती है। अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस के साथ ही 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे विनेगर ऐड करेंगे और विनेगर के साथ ही 1 छोटी चम्मच चिल्ली सॉस डालेंगे और 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे टमाटो केचप डाल देते हैं। तो देखिए इतने ही यहाँ पे सॉसेस में यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा हम इन्हें भी पका लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने सिलेरी तैयार की है कॉर्नफ्लोर की, थोड़ा थोड़ा करके हम उसे यहाँ पे डाल देंगे। एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का जो घोल है ना सारा डाल दिया है। इसे डालने से आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया थिकनेस आई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो देखिए पनीर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है हमारे चिल्ली पनीर में। अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा चिल्ली पनीर बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे वरना जो हमारा पनीर है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इतना ही हमने इसे यहाँ पे पकाना है। तो हमारा पनीर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।